पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी थी। दरअसल मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। उसने 2008 में भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया था। अब सलमान के साथ उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तो रहेंगे ही, साथ ही मुंबई पुलिस के कुछ सिपाही भी होंगे। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई, पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए उनके अपार्टमेंट के पास मौजूद रहेगी, कोई भी गिरोह किसी तरह की हरकत ना कर सके। लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर काले हिरन का शिकार करने के मामले में सलमान खान की हत्या की साजिश रची थी। बिश्नोई समुदाय काले हिरन को पवित्र मानता है, इसके लिए इसका शिकार करने के आरोपी सलमान खान को लॉरेंस ने जान से मारने की धमकी दे डाली थी। साल 2008 में अदालत के बाहर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो जोधपुर में सलमान खान को मार देगा। उसने ये भी कहा था, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब सलमान खान को मारेंगे तब पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे फालतू में घसीटा जा रहा है। सलमान खान हाल ही में अबू धाबी के यास आइसलैंड में हुए आईफा अवार्ड्स को होस्ट करने पहुंचे थे। इसके अलावा वे कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में बिजी हैं। सल्लू टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 पर भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना भी नजर आएंगी। इसके साथ वो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, शाहरुख खान की पठान में भी गेस्ट अपीयरेंस में भी नजर आएंगे।